चंबल के अंदाज में डालते थे डकैती, डकैत हुए गिरफ्तार। सांगली पुलिस ने चलाए कॉम्बिंग ऑपरेशन, तलाशी अभियान के समय उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिलेटिन की छह गैस कटर तथा घर में डकैती करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान समेत छह मोटरसाइकिल बरामद की है। सांगली जिले के जिस शहर में सतारा रोड एवं उमराड़ी रोड पर बसे पहाड़ी थाना पर आज सुबह पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान तलाशी अभियान चलाया और उमराड़ी रोड के तांडे से शिवादी प्रहलाद चौक एवं संतोष प्रहलाद चौहान, इन दोनों को पुलिस ने कब्जे में लिया। उनके घर से एक बोरी में जिलेटिन की छड़ियां, गैस सिलेंडर, गैस कटर समेत घर का दुकान तथा पवन चक्की की केबल चोरी करने में लगने वाले सामान बरामद हुए। उमराड़ी रोड के तांडे पर सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर समेत करियांडा चोरी की हुई छह मोटरसाइकिल उनसे बरामद की गई। जब पुलिस ठाणे दिनांक 26/8 रोजी माननीय पुलिस अधीक्षक सो सांगली, अपर पुलिस अधीक्षक सो सांगली व माननीय SDPO सो जत विभाग जत चार्ज तासगाव यांच्या दिशेने जब पुलिस ठाणे हद्दीत कोम्बिंग ऑपरेशन करण्यात आले, त्या कामी जत पुलिस ठाणेचे पुलिस निरीक्षक तहसीलदार सो, उमदे पुलिस ठाणेचे पुलिस पुलिस सहायक पुलिस निरीक्षक शिंदे साहेब, अधिकारी 9, कर्मचारी 48, RCP 40, महिला 10, असे सर्व कर्मचारी मिळून माननीय पुलिस अधीक्षक सो सांगली यांच्या आदेशाने 26/8 रोजी रात्री 2:30 वाजण्याच्या सुमारास सातारा पारधी तांडा, उंगाली पारधी तांडा इथे कोम्बिंग ऑपरेशन करण्यात आले। कोम्बिंग ऑपरेशनच्या दरम्यान गॅस टाकी, गॅस कटर, घर चोरी करण्याचे विविध साहित्य व 6 गाड्या अशा संशयितरित्या मिळून आल्या। ते सर्व पोलीस ठाणे येथे घेऊन आले आहेत। त्यात 2 संशयित याला ताब्यात घेतलेले आहे, त्याचा तपास जर पोलीस ठाणे करीत आहे।